तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे वीडियो में। तो कैसे आज मेरे पास है कैसे रेडमी का फ़ोन है, कैसे मैं आपको बताऊँ सब अपने रेडमी के फ़ोन में कैसे आप किस तरीके से कैसे अपने डायल पैटर्न को कैसे आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। डायल पैटर्न को कैसे आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो गैस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आज का वीडियो। तो कैसे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन सेटिंग का आपको ओपन करना है, फिर कैसे आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो कैसे आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद कैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन नीचे मिलता है कैसे आपको एडिशनल सेटिंग आपको उस पर क्लिक करना है, फिर कैसे आपके सामने का डायल पैड टोन कैसे आप इनेबल करना है आपको उस पर क्लिक करना है, और कैसे हमारा जो डायल पैड टोन है कैसे हो जाता है ऑन। अगर कैसे अपने डायल पैड टोन सॉरी कैसे आपको इनेबल हो जाता है तो आपको कैसे अपने डायल पैड टोन को कैसे डिसेबल करना है, तो बस आपको उस पर दोबारा क्लिक करना है और कैसे हमारा जो डायल पैड टोन है कैसे डिसेबल हो जाता है। तो बस आज का हमारा वीडियो में इतना है। तो बस आई होप कैसे आप सभी को कैसे वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और कैसे वीडियो को लाइक करें, कैसे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कैसे आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैसे सभी को कैसे गुड बाय।